अगर आप पहले वो वीडियो देखना चाहते हो जिसमें पूरा वॉक अराउंड होता है कार का शोरूम वगैरह में जाके, तो आपको मेरे चैनल पे हर कार की वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं न्यू किया सोनेट जो आने वाली है, न्यू ब्रेजा, आपकी ह्यूंडई वेन्यू और टाटा की नेक्सॉन, कि आपको इनमें से कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सी आपका वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। देखो, हम कभी भी कोई कार खरीदते हैं ना, तो कुछ मेन पॉइंट्स सबसे ऊपर रखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्वियसली आपका बजट और वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, इसलिए ही हम सब लोग वीडियो पे जाके वीडियोस देखते हैं, ताकि हम अपने पैसे बचा पाएं, कोई गलत फैसला ना ले लिया जाए और उस कार की बेस्ट वैल्यू मिल जाए। सेकंड फिर आपका आता है इंजन और पावर, कि आप हैवी ड्राइवर हो या फिर नॉर्मल सिटी वाले ड्राइवर हो, राइट। और अगर हम बात करें शोबाजी की, हवाबाजी की, तो कुछ लोगों को बहुत एडवांस फीचर भी चाहिए होते हैं, जो कि कोई गलत नहीं है यार। आप अमीर हो, आपके पास खूब पैसा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। और साथ ही में हमें देखना होता है कि कार का सेगमेंट क्या है, हमें सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए, माइक्रो एसयूवी चाहिए, मिड साइज एसयूवी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आप ऑलरेडी मन बना ही चुके हो कि आपको मिड साइज एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, राइट। इस वीडियो में मैं बात उस चीज के बारे में करने वाला हूँ कि आपके पैसे गलत जगह ना लग जाए, एक्स्ट्रा फीचर जो आपको नहीं चाहिए वो कार आप ना ले लो, सिक्योरिटी कितना मैटर करती है, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक वन ऑफ द मेन पिलर्स है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं ना, ये जो चारों कारें हैं ना यार, इनमें इनकी जो डायमेंशन है सबसे ज्यादा ब्रेजा की है, ठीक है। बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताऊं ना, तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है। वरना अगर जब रोड पे चल रही होती है ना आपकी सोनेट, वेन्यू और ब्रेजा और नेक्सॉन, तो ये चारों सेम ही लगती हैं, तो ऐसा कोई पहचान नहीं सकता है। बट टेक्निकली और लॉजिकली अगर हम कहें तो यस, स्पेस सबसे ज्यादा इसमें ब्रेजा में है, तो वो जीत जाती है वहां पे। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है, विच इज ऑब्वियस, पर कई लोग इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट भी कर देते हैं। कुछ लोग 3 स्टार भी ले लेते हैं, 4 स्टार भी ले लेते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट कार है ना इन सब में है सोनेट, क्योंकि उसकी आ रही थी 3 स्टार रेटिंग, नई वाली का कुछ पता नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है आपकी ब्रेजा, ठीक है। ब्रेजा और वेन्यू इवन दोनों की 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप की रेटिंग है। टॉप पे आती है भाई टाटा की नेक्सॉन, क्योंकि टाटा की नेक्सॉन जो है भाई फुल तगड़ी कार है, और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये काफी ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रेजा और फॉर एग्जाम्पल वेन्यू बिल्कुल ही बेकार है, 4 स्टार भी आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेती है। बट मैं पर्सनली अगर बताऊं तो 3 स्टार और उससे नीचे बहुत अलार्मिंग है, तो पैसा लगाने से पहले थोड़ा वहां पे आप देख लेना। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं ना यार, तो उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर हैं कि आप क्या ले रहे हो। देखो, लोगों के कहने पे कभी कार मत लेना आप, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए सनरूफ, राइट, कुछ लोगों को चाहिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कुछ को चाहिए डीफॉगर, कुछ को चाहिए कुछ, कुछ को चाहिए कुछ, कुछ को चाहिए कुछ। आपको क्या चाहिए आपको वो देखना है, क्योंकि अगर मैं बजट की बात करूं ना, तो फॉर एग्जांपल ब्रेजा का बेस मॉडल ना 9.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, राइट, और 15 लाख तक चला जाता है। कुछ लोगों को IMT चाहिए कि भाई मेरे को तो ना बस घेर लगाना है, क्लच नहीं दबाना। कुछ लोगों को चाहिए आपकी DCT कि भाई मेरे को तो फुली ऑटोमेटिक वाली फीलिंग चाहिए। पर एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो आपको समझने वाली बात यह है कि इन चारों मॉडल्स में आपको ये देखना है, पहले आपको एक लिस्ट बनानी है पेपर पे कि आपको फीचर क्या चाहिए। क्या आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की नीड है, आपको CVT की नीड है, आपको IMT की नीड है, आपको DCT की नीड है, या फिर आप मैनुअल से भी बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर जनरली बताऊं ना, तो अगर आप अपने 40s या 50s में हो तो आप ऑटोमेटिक की तरफ, DCT वगैरह की तरफ जा सकते हो, MT की तरफ। पर ना यार, अगर आप देखो लड़के हो, आप 20 से 35 की रेंज में हो ना, तो मैनुअल चलाकर भी आप अपना आराम से 1.5-2 लाख रुपए बचा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगेन, दिस इज सब्जेक्टिव, आपका बजट क्या है, आप क्या लेना चाहते हो, तो ये थोड़ा देख लेना वहां पे। एक फैक्टर मैं और डिस्कस करूंगा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है आपकी कार की ओवरऑल वर्थ, ओवरऑल वैल्यू या फिर रेसेल वैल्यू। जैसे अगर मैं मारुति की बात करूं ना, मारुति की कार अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे ना भाई, अफीम की तरह बिकती है। आपने बोली लगाई नहीं और 1-2 दिन बाद ही ग्राहक खड़े हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उन्होंने अपनी स्विफ्ट 5-5, 6-6 साल चलाकर ना सिर्फ 2-2.5 लाख के लॉस में ही बेच दी। बहुत अच्छा रेट मिल जाता है यार, स्विफ्ट हो गई, ब्रेजा हो गई, इन कार का तो इतना ज्यादा रेट मिल जाता है मार्केट में, लोग तैयार बैठे हैं। आप बोलो, आप कहीं पे ऐड डाल दो बस कि मेरे पास कार है मारुति की बेचनी है, वो बंदे टेस्ट ड्राइव लेगा। और कितने मंझे कलाकार है हमारे देश में भाई, वो मारुति की कार पहला गियर लगा के रेस देके समझ जाते हैं अभी कंडीशन इसकी ठीक है। तो अगर मैं इसकी रीसेल वैल्यू, प्राइस और पॉइंट के बारे में बात करूं, तो रीसेल वैल्यू में टॉप पे आती है आपकी मारुति, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आप अपनी टाटा लगा लो, टाटा की कार्स मारुति के नीचे फटाफट बिक जाती है। फिर आपकी आ जाती है वेन्यू, और लास्ट में किया। देखो, किया की कार आपको बेचने में काफी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, इतना ईजी नहीं होता कि आप किया की कार जाके मार्केट में बेच दो सेकंड हैंड। ये सारे जो बाकी प्लेयर्स हैं, आपका स्पिनी या कार24, ये आपसे खरीद लेंगे जरूर, पर बहुत ही ज्यादा पैसा काट लेंगे आपका, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी माइंड में रखनी है आपको कार लेने से पहले, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपने एक कार ले ली सब खत्म हो गए, इन फ्यूचर यू वांट टू रीसेल इट, व्हाटएवर, सो देख लेना यहाँ पे। अगला फैक्टर एक आता है आपकी माइलेज का, कार की माइलेज क्या है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, कार की जो माइलेज है ना, आप सोचो, देखो चारों कार का सेम साइज है, इंजन भी तकरीबन इनके सेम ही है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं उस पर आऊंगा। तो आप ये मत समझना कि आपने अगर नेक्सॉन ले ली तो मारुति बहुत अच्छी एवरेज दे देगी, या नेक्सॉन दे देगी, या वेन्यू।
19-20 का फर्क है इन चारों कारों में, क्योंकि कार की जो एवरेज आती है ओवरऑल कार के साइज और इंजन कैपेसिटी के ऊपर आती है क्या पावर दे रही है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैंने नेक्सॉन ले ली, मारुति ले ली, तो थोड़ा होगा ना यार, वो थोड़ा आपका 2-5 किलोमीटर का डिफरेंस ही होगा, हालांकि बहुत ज्यादा भी हो सकता है किसी के लिए, पर यार इतना मेजर नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ भाई कि एक में आ रही है 17 की एवरेज और एक में आ रही है बिल्कुल ही 8 की एवरेज। फॉक्सवैगन की कार तो है नहीं, ये चारों कार की अलग कैटेगरीज है, और ये चारों कारों की अच्छी बात यह है इन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करा है, तो इंजन में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो एवरेज में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है यार। 5 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 1-3 किलोमीटर का ऊपर नीचे माइलेज में रहता होगा अगर आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे सिटी टू सिटी। शहर तो सारे सेम ही है, जहां आपको उतना ही मिलना है, और हाईवे पर हर गाड़ी अच्छी एवरेज दे देती है। सिर्फ एक मेन डिफरेंस आता है इंजन का, क्योंकि ब्रेजा ही इन चारों में एक ऐसी कार है जो आपको 1.5 लीटर का इंजन दे देती है, 1500 cc, 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। तो बाकी कार्स में आपको ऐसा नहीं मिलता है। ब्रेजा के अलावा बाकी तीनों कार में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। यस, सोनेट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप 1.0 टर्बो IMT के साथ जा सकते हो 1 लीटर वाला, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा दोस्तों। ब्लैक कलर के अगर आप शौकीन हो तो इन चारों कारों में बेस मॉडल में कोई ब्लैक कलर आपको नहीं देगा, उसके लिए आपको मिड वेरिएंट, अपर मिड या टॉप मॉडल में जाना होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ब्रेजा मुझे बैठने के बाद एक्चुअल SUV की फीलिंग देती है। मैं वेन्यू में बैठा, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं हैचबैक में ही बैठा हूँ, पता नहीं क्यों, हो सकता है वो ऊपर ऊपर मुझे फीलिंग नहीं आई। उसके मैंने सीट एडजस्ट वगैरह करी, सब करके देखा, मुझे नहीं जमी वो। मैं नेक्सॉन में भी बैठा, मुझे SUV वाला फील नहीं आया, राइट। और ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है कि मारुति मुझे कोई पैसा दे रहा है, मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि कोई मारुति मेरे पास आ रहा है कि हाँ भाई ये लो आप हमारी ब्रेजा को प्रमोट करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव है। किसी लोगों को हो सकता है यार, कई लोगों को देखो हाइट के अकॉर्डिंगली ना तो एक्स्ट्रा भी SUV लग रही है, किसी को पंच भी फुल SUV लग रही है, और किसी की हाइट अगर और ज्यादा कम है, कोई 5 फीट के अराउंड है, उसके लिए तो यार I20 भी SUV है, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपकी ओवरऑल हाइट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही होता है, सब्जेक्टिव है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन और व्यू दे रहा हूँ कि ओवरऑल चलाने में जो वाइब मुझे आई ना SUV वाली, मुझे ब्रेजा में लगी। इन कार्स में थोड़ी सी ऊपर लगी हैचबैक से, बट एक्चुअल SUV नहीं लगी मुझे। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं एट लास्ट। इंटीरियर्स की जो सबसे वर्स्ट क्वालिटी है ना इन चारों कारों में, वो है आपकी नेक्सॉन और ब्रेजा की। या तो नेक्सॉन का आप फिर टॉप मॉडल लोगे थोड़ा सा ऊपर तो अच्छे इंटीरियर्स हो जाते हैं वहाँ पे। ब्रेजा का ना टॉप लेने पे भी ना अच्छे नहीं होते थोड़ा सा ना, पता नहीं मारुति ने ऐसा क्यों किया हुआ है, वो पुराने जमाने के इंटीरियर चल रहे हैं अभी भी, एंड आई हेट इट फॉर दैट। बहुत ही भद्दी लगती है यार वो कभी कभी अंदर से बैठने के बाद। बट मारुति के जो बाकी पॉइंट्स है ना, तो वो उसको उस कार को बाकी ऊपर ले जाते हैं फिर, जो कि बाकी कार्स में नहीं है, राइट। इसलिए आपको 1.5 लीटर इंजन मिल रहा है शायद वहाँ पे। और समहाउ ये एक ऐसा गेम खेला ना मारुति ने, क्योंकि मैंने भी सोचा यार कि यार 1.5 लीटर इंजन वर्सेस थोड़े से इंटीरियर, व्हाट मैटर्स टू मी। तो मैंने सोचा यार 1.5 लीटर इंजन मैटर्स टू मी एट लास्ट। उसके बाद अगर मैं रैंक करूँ टॉप पे, तो मैं रैंक कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो सब्जेक्टिव है ये भी, किया के ना बहुत सुंदर लगते हैं इंटीरियर देखने में, पर वो कार ओवरऑल 3 स्टार है सेफ्टी में, तो कॉमन सेंस है 3 स्टार मतलब क्या है, वो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है। तो ये मैंने फील करा, सुंदर तो है वो, पर इंटीरियर ना थोड़े से नाजुक टाइप है, ऐसा लगता है वो कि टूट सकते हैं, लाइक यू नो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी जो चाहिए। सो मैं टॉप पे रेट कर दूंगा यहाँ पे वेन्यू को, क्योंकि वेन्यू में बैठने के बाद ना दैट लुक्स काइंड ऑफ क्लासिक, गिव्स अ पॉजिटिव वाइब, और स्ट्रॉन्ग भी है उसका प्लास्टिक जो उसमें लगा हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन बना रखी है वेन्यू। सो लुक्स के मामले में बात करूं तो सोनेट को टॉप पे दे दूंगा इंटीरियर, और मिक्स कॉम्बिनेशन बिल्ड क्वालिटी और लुक्स तो वेन्यू, पथेटिक इज ब्रेजा, और अगर पैसा ज्यादा खर्च के अच्छे लेने हैं तो नेक्सॉन के आपके इंटीरियर आ जाओ। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, कुछ अगर चीजें रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये कोई वो वाली वीडियो नहीं थी कि मैं चार कार खड़ी करके पता नहीं ज्ञान देता रहूं, दिस इज मोर और लेस आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत लॉजिकल कंज्यूमर माइंड से मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही खाली बातें डिस्कस करना चाहता था। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस GT। इस चैनल पे हम मेन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बाकी चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई चीज अगर मुझे छूट गई हो तो एज ए सेट कमेंट करके जरूर बताना, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। सो मिलते हैं इस और वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।